क्वार्टर में कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है, क्वार्टर में कुछ रेनोवेशन काम चल रहा है, ऑलमोस्ट लग गया हॉल में, कल फाइनल टच दिया जाएगा। कितना डस्ट है पूरा। अपन बना रहे हैं देखिए, और अभी दाल माँ बन चुका है, इसका छूट लगने वाला है। किचन का डब्बा यहाँ पे, सेंटर टेबल रखा गया, ये सब किचन का कुछ सामान है। इसे चोरी कर लिया, सब रख अंदर, रख अंदर रख। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मनस कुमार फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, और अभी करीब रात शाम के करीब 7:40 के आसपास हो रहा है, और मैं दो तीन दिन से थोड़ा सा बिजी था, इसलिए ब्लॉग आ नहीं पाया। बस दुर्गा पंडाल वगैरह आप लोगों को दिखा रहा था। तो अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है यार, मैं बताऊँ तो आपको, हालत काफ़ी ख़राब हो गया अपना, मेरा फैमिली का पूरा, और हम लोग जानबूझ के ये सब किए हैं। और ख़राब हो गया मतलब क्या है कि अभी ना अपना जो प्लांट की तरफ से ना, मतलब टाउनशिप की तरफ से क्वार्टर में ना कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है, क्वार्टर में कुछ रेनोवेशन काम चल रहा है, जिसके चलते हम लोग को पूछा गया तो हम लोग एग्री कर लिए, हाँ ठीक है बोल के, क्योंकि क्वार्टर और जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहता है रहने के लिए, उतना मज़ा आता है रहने के लिए। थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है हम लोगों को, बट जो जिस टाइम रिनोवेशन का टाइम, बट उसके बाद एक बार अगर मेंटेन हो गया एकदम, एक बार अगर काम खत्म हो गया तो फिर आप फुर्सत आराम से रहोगे, साफ सुथरा मज़ा आ रहा है। बोलना चाहूँगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अगर मेरे ब्लॉग पर फर्स्ट टाइम है और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और एक बार वीडियो के एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए पीछे टीवी के ऊपर देखिए कवर लगा के रखा गया है, क्योंकि पूरा रूम में भाई साहब टाइल्स का काम चल रहा है, और पूरा तोड़ फोड़ हो गया पूरा रूम, मतलब जो जितना साफ था ना पूरा, वो 98% पूरा घर में डस्टी हो गया पूरा। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो काफ़ी डस्ट है, देखिए मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, और पूरा रूम में आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको क्लोजली दिखाता हूँ डस्ट कितना है। देखिए ये पूरा मतलब जमा हो गया इसके ऊपर सब कुछ, सबको देखिए 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 ये देखिए कितना डस्ट है, पूरा पूरा भर गया, चारों तरफ में डस्ट पूरा भर गया है। ये देखिए कपड़ा अगर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए पूरा मतलब खतरनाक माहौल हो गया है। कब 3-4 दिन मतलब और 6-8 दिन चलेगा आराम से, तो देखते हैं अभी क्या माहौल है क्या यार। मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना डस्टी हो जाएगा, इतना रहने के लिए परेशानी होगा, आपको बिलीव नहीं होगा। हम लोग करीब एक, ये तो हॉल पूरा खाली कर दिए हैं, किचन पूरा खाली कर दिए हैं, और हम लोग अभी रह रहे हैं सिंगल एक बेडरूम पे रह रहे, पता है आपको, एक 14x10 वाले एक बेडरूम पे काफ़ी दिन बाद ऐसे रहने के लिए मिला। हम लोग एक नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक छोटे से रूम में मैं तो ड्यूटी निकल जाता हूँ, बट वाइफ आर आप दोनों घर में रहते हैं, बच्ची जाती है स्कूल, तो ये लोग काफ़ी मैनेज करके रह रहे हैं। और एक दूसरे रूम जो है अपना बेडरूम है, दूसरा वाला जो है उसमें अपन पूरा सामान भर के रख दिया गया, जिसका मैं आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ, वहीं पे पूरा सामान है, उसके साथ वहाँ पे खाना भी बन रहा है। तो बहुत ही हालत ख़राब है। और आप एक खतरनाक वाला बात जो है मैं आपको बता दूँ कि कल का जो बात है, कल और आज 2 दिन हो गया आरब पूरा सिंगल एक रूम के अंदर, मतलब 2 दिन से पूरा है बंदा। अभी थोड़ा अभी मैं घुमाने के लिए लेके गया था, आबोस आया था, तो नहीं तो पूरा रूम के अंदर ही मतलब हालत ख़राब हो गया उसका, देखते और कितना काम चलेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्या काम चल रहा है उसका दिखा लेता हूँ, और पहले उससे पहले अपन देखते हैं हम लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या कहाँ पे खाने वाने का जुगाड़ है, उसके बाद कहाँ पे रहने का जुगाड़ है, उसके बाद अपन देखते हैं क्या काम हो रहा है। और अपन चलेंगे तो ये वाला जो पहला बेडरूम मैं आपको दिखाऊं, और इसका हालत देखिए, ये है बेडरूम का हालत। तो ऐसे एक एक दीवान में अपन खाना वाना बना रहे हैं अभी, और पूरा ये किचन का टेबल बन गया पूरा, उसके बाद अगर देखें तो ये किचन का कुछ डब्बा बड़ा सा यहीं पर रखा गया, और अपन बना रहे हैं देखिए, और अभी दाल वहाँ बन चुका है, इसका छूट लगने वाला है। और उसके साथ मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए किचन का डब्बा, यहाँ पे सेंटर टेबल रखा गया, ये सब किचन का कुछ सामान है, सोफ़ा एक यहाँ पे 2 सिंगल सोफ़ा रखा गया, उसके बाद और एक बेड, ये सब ऐसे करके पूरा भर दिया गया है सामान। और इस रूम में कुछ सामान है, और ये वाला दूसरा जो बेडरूम है, देखिए हम लोग घर में भी चप्पल यूज कर रहे हैं क्योंकि इतना डस्टी हो गए। और ये है अपना एक रूम जहाँ पे अपन हम लोग सब पूरा दिन में यहाँ पे 3 सीटर वाला सोफा लगा दिए हैं, और यह देखिए, और इसका गाड़ी वाड़ी सब गिरा हुआ है पूरा घर में देखिए। तो यहीं भी पूरा अभी गुजारा चल रहा है लास्ट 2 दिन से, और हालत काफ़ी ख़राब है। बहुत दिन के बाद इस तरह का एक्सपीरियंस मिला है कि भाई क्वार्टर बड़ा है लेकिन अपन बस 10x14 वाले एक बेडरूम पे ही अपन सफ़र कर रहे रह रहे हैं, मतलब एक बार लेकिन टाइल्स वाली लग जाएगा तो काफ़ी तावड़ तो होने वाला। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अभी मैं क्या काम हो रहा है अभी क्वार्टर में,
उससे पहले स्टार्टिंग का जो माहौल आपको दिखाता हूँ, कितना भौकली हो गया, कितना गंदगी फैल गया अपने घर में। चलिए अपन बाहर से ही एंटर करते हैं। अपन देखिए अपना जो बेलकुनी है इसका, देखिए पेड़ पौधे तो बेचारे ऊपर है ही, वो लोग भी पूरा डस्ट डस्ट खा गए। उसके बाद ये देखिए पूरा सामान यहीं पर गिराया हुआ है, सीमेंट हो गया आपका जो लगता है वगैरह, ये टाइल्स वाइल्स तो रखा गया है और बहुत हैवी डस्ट हो गया पता है आपको। और उसके बाद अपन एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे तुम, उसके साथ ये देखिए टाइल्स का काम चालू हो रहा है, ऑलमोस्ट लग गया हॉल में, कल फाइनल टच दिया जाएगा। ये हॉल का है टाइल्स और 2x2 का टाइल्स लगा रहा है पूरा। ये जो है ना देखिए कोने में पूरा से पूरा तोड़ा गया है इसको और टाइल्स लगाया गया है, तो इतना डस्ट हुआ है घर में और पूरा चारों तरफ देखिए मतलब हालत पूरा खराब है घर में। ऐसा लग रहा है कि पूरा घर का कंस्ट्रक्शन फिर से चालू हो गया है। हम लोग का जो कर्टन वगैरह है सब पूरा गंदा हो गया, मतलब जितना कर्टन है सब, टीवी को तो मैंने ऐसे करके ढक के रखा है, बट इसमें भी पूरा डस्ट चढ़ गया लग रहा है और बहुत ही हालत ख़राब है। यही तो हो गया हॉल का एक सीन। उसके बाद अगर अपन किचन चलेंगे, किचन में भी देखिए किचन का काम आज चालू हो गया था और वो लोग कमिट किए कि कल पूरा ख़त्म करेंगे। ये देखिए कैसे तोड़ा गया पूरा बालू गिट्टी ऐसे करके पूरा, बहुत ही थोड़ा कष्टदायक है बट एक बार लग जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये सब तोड़ा गया, टाइल्स आधा लगाया गया है और यहाँ पे अपन पूरा खाली कर दिए हैं किचन। आज कुछ सामान यहीं पे रखा गया, ये तो अपना यूज्ड वाला गैस है, कुछ इस पर यहाँ पे भी कुछ टाइल्स है, बस हम लोग किचन में इसको यूज कर रहे हैं फिल्टर को, बाकी यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एक फुटेज था किचन का और यहाँ से देखिए ये वाला, बट एक बार टाइल्स लग के अगर आपका पूरा पूरी मेंटेन हो जाएगा सब कुछ साफ सुथरा देखो भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ उसके बाद एक होम टूर का वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। एक बार आपको डस्ट दिखाता हूँ, देखिए कितना डस्ट है यार, चारों तरफ डस्ट पूरा फैल गया है। ओहो कहाँ ना बनवा माल, और ये जो सब्जी है भाई साहब पूरा बहुत ताबड़तोड़ स्मेल आ रहा है। देखिए छूक डाल दिया गया है, प्याज तो दीजिएगा लहसुन और प्याज वगैरह देखिए भाई साहब। और हम लोग क्या करें पता है आपको, हम लोग अभी कल से एक सिंगल जो भी है सब्जी बना के खा रहे हैं क्योंकि बस सरवाइव करना है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, बस कोई चावल और कोई एक छोटा सा सब्जी ऐसा कुछ बना के खा ले रहे हैं। और क्योंकि बनाने का जुगाड़ भी बहुत कन्वीनियंट स्पेस है वहाँ पे भी, वाइफ को भी वहाँ पे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है उस जगह पे, काफ़ी कंजस्टेड टाइप का स्पेस है, तो ये एक चल रहा है अपना। मैं आपको फिर अपन खाना खाएंगे, गर्मा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है तो गर्मा गर्म खाना खाते हैं, वो वाला आपको एक बार फुटेज दिखाता हूँ मैं। और हम लोग काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं अभी, सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप खुद लोग आप लोग भी फील कर रहे हो कि यार आप कहीं पे अच्छे से रह रहे हो बड़े क्वार्टर में, उसके बाद आपको अचानक से कुछ दिन के लिए ऐसा लगे एक स्पेसिफिक टास्क है एक्चुअली अपन को यहाँ पे रहना है छोटे क्वार्टर में, आपको मतलब ऐसा बोला गया कि 6-7 दिन रहना है विथ डस्ट पूरा। तो चलिए अभी चलते हैं, 8 बज चुका है तो मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा काम है मार्केट से आ जाता हूँ, उसके बाद अपन खाना वाना खाएंगे और आप लोगों को ब्लॉग में दिखाता हूँ आगे। 9 पैसा फिर से चोरी कर लिया, सब रख अंदर रख अंदर रख अंदर 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 डाल अंदर डाल, वैसे करके डालेगा है। और गाइस अभी करीब 9:30 के आसपास हो गया है तो और अपन खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे खाना निकालना तैयार हो चुका है, खाना निकाला जा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे लिमिटेड आइसोलेटेड टाइम पे हम लोग क्या क्या खाना बना के खा रहे हैं और इसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। पहले ऐसे सब कुछ नॉर्मल था तो यार मतलब खाने के साथ जाता कि सब्जी वो अलग था, लेकिन अभी ऐसा लगे कि थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, आइसोलेट है, उसमें भी एक आध सब्जी का जो मज़ा है ना अलग है। वाला डालमा बना है और ये अपना चावल निकाला जा रहा है, उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे इसका चटनी बना बनेगा, टमाटर को जला हुआ है और ये तैयारी अपना स्टार्ट हो गया है। इसका भी काफ़ी मज़ेदार है इसको खाने से, जो दाल है डालमा है उसको देखता हूँ मिला के खाता हूँ। आलू डालमा का जो आलू होता है वो काफ़ी खतरनाक वाला होता है, टेस्टी होता है। बेहतरीन बना एकदम बढ़िया, मुझे नमक भी एकदम परफेक्ट लगी, परफेक्ट बना है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं इसमें खा के भिड़ता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ ब्लॉग में। ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था जो मैं आपको अभी दिखाने के लिए
सोच रहा था आज सुबह से ही कि यार अपन लाइव में जो चल रहा है उसके साथ आप लोगों को दिखाता हूँ, और होपिंग आज आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वंस अगेन डू लाइक कमेंट शेयर माई वीडियो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो अपन मिलते हैं फिर और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।